करप्ट और झूठ बोलने वाले कामयाब हैं। जमात इस्लामी ने कभी ऐसा रास्ता नहीं अपनाया। इस्लाम फसादिल अर्थ की इजाज़त नहीं देता। मुल्क में दीन इस्लाम के नफाज के लिए पुरअमन तरीका अपनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जमात के 77वें योम तासीस से खिताब। फरीद पराचा बोले, धड़ाबंदी के बाद बहुत से जमातें टूट चुकी हैं, जमात इस्लामी आज भी मुत्तहिद है। कौन होगा पंजाब की नई काबीना की टीम का खिलाड़ी, किसको मिलेगी कौन सी वजारत? आज वजीर आजम से वजीर आला पंजाब की मुलाकात में फैसला होगा। पहले मरहले में 15 वजरा, मियां महमूद रशीद को हाउसिंग, अलीम खान को बल्दियात, मियां असलम इकबाल को इतलात का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। डॉक्टर यासमिन राशिद को वजीर सेहत, सप्तैन खान को ज़रात, जबकि समीउल्लाह को चीफ वहीब बनाया जाएगा। हुसनैन बहादुर को वजीर खजाना बनाए जाने का इम्कान है। राजा बशारत, राजा यासिर, डॉक्टर मुराद रास, अजमल चीमा को भी वजारत मिल सकती है। गुज़श्ता इजलास की कहानी लफ्ज़ बा लफ्ज़ मीडिया को किसने बताई? शेख रशीद रेलवे हेडक्वार्टर में इजलास के दौरान अफसरान पर बरस पड़े। अफसरान को मीडिया से राबता ना करने के हदायत। जराए के मुताबिक हर चीज मीडिया को बताना जरूरी नहीं, मीडिया को खुद डील करूंगा। शेख रशीद, वजीर रेलवे आज लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मेयर लाहौर मुतहरिक हो गए। मॉल रोड के बड़े हिस्से से बैनर्स उतार दिए गए, लेकिन मुकम्मल सफाया ना किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के करीब ही सियासी जमातों के बैनर्स ताहाल मौजूद। बत्ती चौक, मोहनी रोड, भाटी चौक में भी सियासी जमातों के फ्लेक्सेस देखी जा सकती हैं। पाक भारत आबी तनाज़ा मुज़ाकरात कल होने का इम्कान। भारतीय वफद लाहौर पहुंचेगा। मुज़ाकरात में सिंतास मुहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान पानी के मसाइल पर बात होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान वज़दार से स्टेशन कमांडर पाकिस्तान नेवी लाहौर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद की मुलाकात। बहमी दिलचस्पी के अमूर और पाकिस्तान नेवी के पेशावराना सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। कौम को पाकिस्तान नेवी की बहादुरी और शजाअत पर फख्र है। सरदार उस्मान वज़दार। बकरा ईद क्या आई, आड़ितों ने सब्जियों की सप्लाई को ही ब्रेक लगा दी। चार रोज से ताज़ा सब्जियां मंडियों तक ना पहुंच सकी। जो दस्तयाब है वो महंगी है, साथ ही गैर मायारी भी। सब्ज मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, भिंडी, शिमला मिर्च समेत हर सब्जी के दाम बेलगाम। सप्लाई शुरू हो रही है, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। शहर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। थाना सब्जाजार पुलिस ने शहरी मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से पतंग और डोर बरामद। एशिया कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप के लिए 26 खिलाड़ियों का ऐलान। खिलाड़ियों में फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, आसिफ अली, शादाब खान, फहीम अशरफ, मोहम्मद आमिर, हसन अली, उस्मान शिनवारी शामिल हैं। मोहम्मद नवाज, अमाद वसीम, हारिस सुहेल, मोहम्मद हफीज, यासिर शाह, शाहीन शाह आफरीदी शरीक होंगे। ट्रेनिंग कैंप आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में लगाया।